इतने सवाल आप एक साथ पूछ रहे हैं। ये आपका घर है, आपको बेहतर पता होगा कि नीचे क्या हुआ था, कौन था वहां। कैसे बेतुकी के सवाल कर रहे हैं आप? भला हमें कैसे पता होगा कि नीचे महल में क्या हो रहा था या कौन था? आप कैसे नहीं जानती? अभी अभी तो शहजादी ने बताया कि कुल पे एक हैवान ने नीचे हमला किया। हमने भी वही देखा जो शहजादी ने देखा, या फिर आपने कुछ और देखा? कोई और था वहां पर जिसे ने नहीं देखा? आप हौसला रखिए। जी हम रो रहे हैं क्योंकि हमारी सबसे खास दोस्त जो हमारी दिल की बहुत करीब है वो अपने मरने के हालत में है। और आप तो सोच ही सकते हैं अगर आपके कोई इतने खास दोस्त जो आपके एकदम दिल के नज़दीक हो, अगर उनको कुछ इतनी खरोच भी आए ना तो आपको भी दर्द होता है। सो बिल्कुल वैसा ही ये मेरे एकदम दिल के पास है गुल, मेरी दोस्त, और वो अभी अपने काइंड ऑफ बैड फेज ऑफ लाइफ में है। तो मैं उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा रो रही हूँ। मुझे चाहिए कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। सो उनको ये चोटें हैवान ने दी है। अब वो हैवान कौन है वो हमें तो नहीं पता, आपको पता है तो आप हमें बताइए। सो हैवान ने उनको मारा है और हम अभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हैवान कौन है। yes, और जी वो एक डिस्गाइज लुक में आए मेरे सामने। मुझे तो पता भी नहीं है कि अली कौन है। मैं अपनी याददाश्त भूल चुकी हूँ, जैसा कि अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं शो आपको पता होगा सिमसिम ने मुझे फरेबी को दे दिया था और फरेबी ने हमसे हमारी यादें छीन ली हैं। सो मुझे तो ये भी याद नहीं है कि अली कहाँ है, कौन है, मैं परवाज़ में कभी गई थी नहीं गई थी, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तो अभी वो मेरे सामने सारी सच्चाई लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, पर मेरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। मुझे सिर्फ दो लोगों की अच्छे, मतलब जो बुरे लोग हैं उनकी अच्छाइयाँ दिख रही है क्योंकि वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा। बट आपको तो पता ही होगा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। सो बेसिकली बस मेरे लाइफ में भी वही चल रहा है और इसीलिए मैं बहुत ढेर सारा रो रही हूँ, सुबह से बस रो ही रही हूँ और अभी काफी ड्रेन हो चुकी हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। मैं अपने सारे ऑडियंस को ये विशेष दूंगी कि आप होली प्लीज अच्छे से खेलिए, बिल्कुल इको फ्रेंडली कलर्स यूज करिए, बिल्कुल भी हार्श कलर्स मत यूज करिए और डॉग्स के ऊपर कलर मत डालिए, एज उन लोग खुद को अपने लिख करके ही अपने आप को साफ करते हैं, अपने टंग से करते हैं। तो अगर उनके बॉडी पे कलर होगा और वही वो खाएंगे तो फिर वो तो अच्छी बात नहीं है, आपको पता है। और पानी सेव करिए प्लीज, ढेर सारे वड़ा पाव समोसा पाव गर्मा गर्म चीजें खाइए और अपनी होली इंजॉय करिए। थैंक यू।